मानी मेरे अमन जैन, आज हम बात करेंगे अशोक लेलैंड के बारे में। और अगर आप देखेंगे एक ये मल्टी बैगर स्टॉक साबित हुआ है लास्ट 5 ईयर्स के अंदर, लेकिन लास्ट 1 ईयर का अगर आप चार्ट देखेंगे तो ये स्टॉक नीचे की तरफ है, एक 52-week हाई लगाकर, क्योंकि बीच में इनके नॉर्म्स आए थे जो हैवी कॉमर्शियल व्हीकल्स है उसमें 25% तक की और एक्स्ट्रा लोड जो है वो कैरी कर सकते हैं, गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स आए थे, तो उसके बाद से जो है इस स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। और दूसरे भी जो हैवी कॉमर्शियल व्हीकल्स बनाते हैं जैसे टाटा मोटर्स, वो भी प्रेशर में है, तो सारी जो कंपनीज है वो प्रेशर के अंदर है। और इनका लास्ट मंथ का डेटा भी आया है तो उसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सेल्स डाउन हुई है उसका सीधा असर स्टॉक के ऊपर और फाइनेंशियल्स के ऊपर गिरा है, तो वही एक कारण है जो स्टॉक को थोड़ा नीचे लेके गया है। और इसने 52-week लो भी बनाया 77.60, तो अब फिर डेटा आया है तो उसी बेस पे आपको ट्रेडिंग करनी है ताकि अच्छे रेट पे, और अगर आपको लगता है नीचे आएगा तो नीचे के लेवल पे लीजिएगा इसका। अगर आप देखेंगे आज की क्लोजिंग 87.10 के ऊपर क्लोजिंग थी, और इसका चार्ट भी अगर आप देखेंगे तो नीचे की तरफ ही है, और लेकिन कंपनी काफ़ी बढ़िया है। अगर लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो होल्ड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म का है तो शॉर्ट टर्म में तो प्रेशर थोड़ा है और रहने वाला है। तो इसका जो मार्केट कैप है वो 25,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 1 रुपये का फेस वैल्यू है, डिविडेंड एवरी ईयर कंपनी देते आई है। तो इसका मैं डेटा भी आपको दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया आ सके। तो ये लेटर मैंने BSE की साइट से निकाला है, आज ही अपडेटेड हुआ है, और इसके अंदर जून 2019 और जून 2018 से अगर आप कंपेयर करेंगे तो सेल्स गिरी है डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट्स दोनों के अंदर, और वो भी सबसे ज़्यादा जो सेल्स गिरी है हैवी कॉमर्शियल व्हीकल्स, क्योंकि सेल्स कम हो रहे हैं क्योंकि लोड कैपेसिटी ये बढ़ा दे रहे हैं तो सेल्स में फ़र्क पड़ा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जून के अंदर जो हैवी कॉमर्शियल ट्रक्स हैं 6,253 बिके हैं, और लास्ट ईयर 8,123 इतने बिके थे, तो 23% सेल्स डाउन इस जून के अंदर हुए हैं लास्ट ईयर से कंपेयर अगर आप करेंगे तो। टोटल अगर आप देखेंगे लाइट कॉमर्शियल व्हीकल्स मिला के 14% की डाउन है, तो कंटिन्यूस जो है ये डाउन हर महीने देखने को मिल रही है, तो वही एक कारण जो है प्रेशर इस स्टॉक के अंदर बना है। तो अगर आप एक्सपोर्ट्स की भी अगर आप बात करेंगे तो टोटल 19% की गिरावट है, हैवी कॉमर्शियल व्हीकल्स के अंदर 30% की गिरावट है, तो यही एक सबसे बड़ा कारण बना हुआ है इन स्टॉक्स के अंदर। तो जब तक ये स्थिति नहीं सुधरती है तब तक ये प्रेशर रहेगा, लेकिन अगर लंबा नज़रिया है तो किसी भी गिरावट में थोड़े थोड़े करके इकट्ठा करिए ताकि आने वाले समय में फिर स्थिति सुधरेगी और अच्छा रिटर्न आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म में तो ये प्रेशर रहने वाला है, जब तक इनके सेल्स नहीं बढ़ जाते हैं, नतीजे अच्छे नहीं आ जाते, तो आज इसी के बारे में बोलना था ताकि आपको भी आइडिया आ सके और कैसे इसके अंदर ट्रेड करें। तो आज इसी के बारे में बोलना था, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए, थैंक यू।